नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर पुलिस विभाग के 5 थानों को जनता की शिकायतों का निर्धारित समय पर निराकरण करने, अपराधियों को पकड़ने, थाने के रखरखाव व रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होने के साथ जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने पर जिले के 5 थानों को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। जबलपुर में पहली बार किसी 5 थानों को ISO सर्टिफाइड किया गया है। इन थानों में सिविल लाइन, ओमती, लाडगंज, मदन महल और भेड़ाघाट प्रमुख है। जिला जबलपुर के थानों का पूर्व में ISO टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें टीम द्वारा थानों के रखरखाव और व्यवस्थाओं की जांच की गई। थानों में मालखाना, रिकॉर्ड रूम, शस्त्र शाखा, लॉकअप, इसके अलावा थानों में ऊर्जा डेस्क, महिला डेस्क, शिकायत शाखा और बैठने की व्यवस्था और कंप्यूटर कक्ष का रखरखाव पूरी तरह से व्यवस्थित पाए जाने पर थाना प्रभारी सिविल लाइन धीरज राज ओमती, थाना प्रभारी वीरेंद्र पवार सिंह लाडगंज, थाना प्रभारी हरिकिशन अटनेरे, मदन महल प्रभारी प्रवीण कुमार धुर्वे एवं भेड़ाघाट थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा को ISO अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में जबलपुर के IG अनिल कुमार कुशवाहा, SP आदित्य प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक TK विद्यार्थी, कलेक्टर दीपक सक्सेना और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। SP साहब और सभी साथी, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 5 थानों का जो है कायाकल्प हुआ है। कुछ समय पहले SP साहब से मेरी ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने धार में जो काम किया है उसके फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए थे और ये कहा था कि जबलपुर में भी कुछ ऐसा ही करने का विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी फास्ट चल रही है। आपके फ़ोटो देख के मैंने भी सोचा था कि मैं भी कुछ तहसीलों को, कुछ हमारे ऑफिसों को कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे, पर अभी मैं सोच ही नहीं पाया। उसके पहले आपने 5 थाने कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। बेसिकली आप देखें, पूरे सरकारी सिस्टम में थाना हुआ, तहसील हुआ, जनपद पंचायत हुई, नगर पालिका हुआ और एक हॉस्पिटल हुआ। ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पूरे सरकारी महकमे के, सरकारी सिस्टम का क्या हाल है उसका बखान करते हैं। और हमको, आप सब जानते, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ इनके क्या हाल है। सामान्य तौर पर ये 5 जहाँ पर पब्लिक का सबसे ज़्यादा आना जाना होता है और जिसके बारे में पब्लिक एक राय बनाती है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या सरकारी सिस्टम कैसा होता है, ये सबसे बदतर रहते हैं। एक दिक्कत ये भी है कि इनकी स्थिति को सुधारने में, खासतौर से इंफ्रा को सुधारने में, सरकार से जो बजट की अपेक्षाएं वो हमेशा पूरी नहीं हो पाती। खासतौर से रेवेन्यू को और पुलिस को तो देते ही नहीं है, उनको लगता है ये तो पता नहीं कैसे कर लेंगे। तो ऐसे सीमित संसाधनों में भी यदि आप जो है वर्क एनवायरनमेंट सुधार लेते हैं तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वातावरण अच्छा हो, आपके बैठने की डेस्क अच्छी हो, आप अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह पर बैठे हो, तो आपका काम करने में मन भी लगता है और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि SP साहब ने जो प्रयास किए हैं, IG साहब के मार्ग पहली बजट की, और पहली बजट की बात नहीं, उन्हें जो कमियाँ थी उन कमियों को बताया, बाकी जो चीज़ें अच्छी थी उन्हें उनको साइड में रख दिया। खंडेलवाल साहब हर हफ्ते 10 दिन में थाने आते और आते ही साथ, सर आपने जी बड़ा अच्छा किया हुआ है, इसमें बस थोड़ी चीज़ें कमी रह गई है, इस कमी को और पूरा कर लें। और उसके हाथ में सिर्फ एक शब्द और कह दीजिए कि SP साहब का आदेश है। तो जहाँ से साहब का आदेश है कि SP साहब का आदेश है, तो एक आदेश के रूप में, एक चुनौती के रूप में हमने हर चीज़ के लिए है। ओमती पुलिस परिवार के जो हमारे बड़ी अथक मेहनत की और उसका मैं नतीजा ये हुआ कि हम आज ISO सर्टिफाइड के रूप में ओमती थाने को लेके आ पाए। सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो जो चीज़ें ISO सर्टिफाइड के लिए की हैं उसको हम आगे लगातार व्यवस्थित रखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। सर मेरे साथी अधिकारी कलेक्टर साहब, SP साहब, यहाँ उपस्थित मेरी टीम के सभी एडिशनल SP, CSP, थाना प्रभारी, सभी स्टाफ, मेरे मीडिया के साथी, निश्चित रूप से जब मैं यहाँ डिफरेंट कैपेसिटी में यहाँ काम करता था, एडिशनल SP के रूप में मैंने सिविल लाइन थाने को देखा है, तो यहाँ पर एक बड़ी पुरानी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर खपरेल हुआ करते थे, उसमें थाना संचालित होता था। स्थितियां बदली, आदरणीय DG सर के मार्गदर्शन में, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के एक्टिव रोल में
आज जबलपुर के तमाम वसार थाने जिनका स्वरूप बहुत बुरी स्थिति में था, अब एक नए स्ट्रक्चर के साथ सबके सामने हैं। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हमारे लगभग सभी थानों की बन चुकी हैं। यदा कदा इक्को दुक्का थानों को छोड़ दिया जाए तो अच्छे स्ट्रक्चर्स हमको मिल जाए। इसके साथ हमारे पुलिस अधीक्षक आदित्य सिंह जी, जिन्होंने धार में अपने अनेकों थानों को ISO सर्टिफिकेशन करवाया, उसके पीछे उनकी सोच यही रही है कि हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो अपने कार्यस्थल पर अपना अधिक समय मौजूद रहते हैं बजाय अपने घर के, कम से कम वहाँ पर एक ऐसा वातावरण होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपकी ऊर्जा में, आपके मनोबल में वृद्धि करे। और उसको दृष्टिगत रखते हुए इनका जो एक विशेष अभियान चलाया गया रिकॉर्डों को व्यवस्थित करने का, नष्टीकरण करने का, उसमें आप लोगों ने उल्लेखनीय काम किया। उसके लिए हमारे अभी प्रथम चरण में जिन पांच लोगों ने, पांच थाना प्रभारियों ने ISO सर्टिफिकेशन में अपनी भूमिका दर्ज करवाई है, उसको प्राप्त किया, उस पैरामीटर्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे वो सारे थाने जो भी इस क्रम में लगातार प्रयास करके, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हीलिंग का प्रोसेस है, जो ये क्या कहना चाहिए लोगों को को प्रति आपका जो बिहेवियर है, ये आपके सोसाइटी में, आपके आसपास के क्षेत्र में ये एक मैसेज देती है। मैसेज को अच्छा पॉजिटिव मैसेज कैसे जाए, ये इन चीज़ों से ही जाता है। पहले लोग थाने में आने में डरते इसलिए थे, बहुत सारे कारण थे, जो ब्रिटिश टाइम का थानों का स्टाइल था, जब तक डरते इसीलिए थे कि एक तो थानों में ना बैठने की जगह नहीं, कहीं कोई आया तो बैठा दिया वह या बाहर ही खड़ा कर दिया या उसके साथ कुछ इस तरह का होते थे। अब जब उस चीज़ों को चेंज होने लगा है तो लोग अपनी कंप्लेन, अपनी बात कहने भी आने लगे हैं। पहले लोग थाने जाने में बेइज्जती महसूस करते कि अगर थाना चला गया, थाने की ड्योढ़ी चढ़ गया। आज वो स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको इस लायक बनाया कि वो अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं करता कि मुझे थाना जाने में, मैं कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ जो बहुत ही ऑब्जेक्शनल जगह है। पहले थाने के बारे में बड़ा खराब एक वो था, जो है इवन पुलिस की नौकरी के बारे में भी बड़ा एक इस तरह का एक भ्रम था कि पुलिस के जो लोग हैं वो बेसिकली उनको इंसान मानते नहीं थे, तो पुलिस वाले हैं इंसान होते ही नहीं, ऐसी एक भाव लोगों में हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो रहा है। मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम किसी के घर में कई बार चले जाते थे वर्दी पहने पहने, जैसे अब यहाँ भी CSP थे, चले गए किसी के यहाँ, तो आज आप आजकल पड़ोसी से लेकर दूसरे लोग भी आपको जब आपके घर जाएंगे तो वो बड़ा खुश होते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पुलिस अधिकारी आया हुआ। पहले लोग पुलिस वाला चले थे तो लोग सोचते थे कि इनके घर पुलिस वाला क्यों आया, वो घर वाला परेशान रहता था कि क्या कारण ये आ गए हैं, ऐसा तो नहीं कि आसपास वाले कुछ सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो ये एक भ्रांतियाँ थी, उसी भ्रांति को दूर करता हुआ ये ISO थाना और इस तरह का जो एक्ट है, जिसको आप अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हो, एक बहुत ही भगीरथ प्रयास है। जो है इसमें मैं एडिशन ये करना चाहूँगा आप लोगों से चाहूँगा कि जो SP साहब ने जैसे कहा कि हमने रोल, जी सर, आज का कार्यक्रम आइए, आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन और उनके प्रयासों से ज़िले के शहर के एक तरह से हुए हैं, ज़िले के भी इसमें शामिल हैं, तो लगभग कुल 5 थाने जो है उसको ISO सर्टिफिकेट से उनको नवाजा गया है। ये वो थाने हैं जिन पे जिनमें काफ़ी मेहनत हुई है और यहाँ के स्टाफ द्वारा और आसपास की जनता के सहयोग से, और ये ISO होने के साथ साथ में उसमें जो आप देख रहे होंगे कि साफ सफाई के साथ में रिकॉर्ड का संधारण सिस्टमेटिक हुआ है, लोगों के रुकने का मतलब आगंतुकों के लिए व्यवस्था है, सभी विवेचकों को बैठने की अच्छी व्यवस्था है, और उसके अलावा एक अच्छा डिलीवरी सिस्टम की योजना के साथ इनमें कार्रवाई हुई है। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इससे आम जनता में पुलिस के प्रति एक और नज़रिया एक चेंज होगा कि हाँ पुलिस थाने लोगों के लिए कोई मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ पर अपनी बात बड़ी ही सही ढंग से, सही तरीके से कह सकेंगे और उनकी समस्याएं सुनी जा सकेंगी। जी सर, आज आज जबलपुर शहर के 5 थानों को, जबलपुर ज़िले के 5 थानों को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। और इसमें हमारे 5 थाने जिसमें सिविल लाइन, मदन महल, ओमती, बेड़ाघाट,
और सिविल लाइन को जो है ISO सर्टिफिकेशन मिला है। इससे एक बेसिकली हम लोग हमारा प्रयास ये है कि एक अच्छा डिलीवरी मैकेनिज्म, एक अच्छे प्रोसेस इस्टेब्लिश किए जाएं, ओवरऑल एनवायरनमेंट जो थाने का है वो सिटीज़न के लिए और पुलिस के वर्किंग के लिए इम्प्रूव किया जाए ताकि बेहतर प्रोफेशनल पुलिसिंग की जाए। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।